क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? बोलो कर्मा। महारानी, आपका अरे वो कुछ नहीं, तुम्हें सुकुशल देख के हम लोग इतने प्रसन्न कि कहने के लिए शब्द ही नहीं, है ना कर्मा? हम भी बहुत प्रसन्न हैं। अभी तुम आराम करो। आप विश्राम कीजिए, हम आए रानी साहब। कैसे बता देते दाइन? महारानी को पूर्ण विश्वास कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा सुरक्षित है। ऐसे में कोई उनसे ऐसी बात कैसे कह सकता दाइन? वो तो ठीक है भैया, पर कोई ना कोई का तो पता नहीं पड़ी। हमारी तो हिम्मत ना है। समर सिंह, समर सिंह, भाई साहब कहाँ है और कैसी है वो? वो अंदर विश्राम कर रही हैं। अच्छा तात्या जी, क्या हुआ समर? तात्या जी, आज आपको आपके जीवन का सबसे कठिन कार्य करना, क्या हुआ है बताओ तुम लोग मुझे। महारानी साहब, हम दोनों को तो बचा लिया, परंतु झांसी के उत्तराधिकारी को नहीं बचा पाए। हे देवा, क्या भाई साहब को ये सब पता है? गुरुजी नहीं पता, महारानी साहब तो सपने में भी नहीं सोच सकते उनके जीवन में इतना बड़ा अनर्थ हुई गवा। ठीक है ताते गुरु, परंतु फिर भी इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? पानी। अब उठिए भाई साहब। थोड़ी देर विश्राम करना चाहते। हाँ जी भाई साहब, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। ताते गुरु, हम ठीक हैं। हम तो महल लौटने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक ताते गुरु, हमें महाराज के लौटने से पहले महल लौटना है। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ थे। हम महाराज को झांसी के उत्तराधिकारी पाने की खुशी में डूबे देखना चाहते हैं। हे देवा, धन्य है तुम्हारा, हमारा लाल सुरक्षित है। मनु बेटा। ताते गुरु, कितने दिनों के बाद हम ये संबोधक आपके मुंह से सुन रहे हैं। आप हमेशा हमें भाई साहब कहते हैं, परंतु हमें ये मनु सुनना बहुत पसंद है। आप हमें मनु ही कहा करिए ना। अभी हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, फिर आपके साथ महल चलेंगे। जी भाई साहब। अब मनु बेटा, हम शीघ्र ही महल वापस चलेंगे। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो बेटा। प्रेग्नेंट वुमन एक बैलगाड़ी आपने शोल्डर पे लेके भागेगी तो उसका मिसकैरेज सर्टन होगा। No, it's not possible that she's still pregnant. Miss Nelson, उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। Why are you so full of praise for these bloody Indians? No, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मगर सोच रहा हूँ अगर उसका चाइल्ड जिंदा रह गया तो ईस्ट इंडिया का सारा प्लान। What rubbish! Just have your drink and enjoy our victory. Mark my words, Jhansi's heir is noble. Jhansi pe British rule hoga. Now listen to my next plan. Sergeant. Yes sir. Take a letter for Fort William. Yes sir. King of Jhansi, Gangadhar Rao. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हमारे जो टेररिस्ट को भगा लिया गया है, इसलिए इमीडिएटली वी मस्ट सेंड वन बटालियन टू झांसी। सेंड इट टू फोर्ट विलियम इमीडिएटली। यू आर आस्किंग फॉर अ बटालियन? व्हाई? मिस्टर मैल्कम, दैट इज हाउ वी विल स्टॉप गंगाधर राव's कंट्रोल ओवर झांसी। Cheers! साहस नहीं जुटा पाया मैं। कैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर मैं उनको सुना। सच बताओ तुम्हें तो हमारी झांसी के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य से भरा दिन है। महाराज, ताताजी ने ललितपुर से संदेश भिजवाया है कि महारानी वहां है और घायल हैं। हम महारानी को तुम दोनों के भरोसे छोड़कर गए थे। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमारी लक्ष्मी और हमारा बच्चा कुशल हो, अन्यथा हे देवा हमारी महारानी साहब की रक्षा करना। मिस्टर नेल्सन, आपके ही फेस का स्माइल बता रहा है कि कोई गुड न्यूज है। यस मिस्टर मैल्कम, फोर्ट विलियम ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है और झांसी में एक ब्रिटिश बटालियन का इमीडिएट डिप्लॉयमेंट का परमिशन दे दिया और उसका नाम टेरर बटालियन होगा। नाइस मिस्टर नेल्सन। यस, हमारा प्लान सो फार सक्सेस हुआ। सर, देयर इज अनदर लेटर फ्रॉम फोर्ट विलियम। क्या लिखा है इसमें? Read it out. Sir, Fort Williams congratulates Mr. J. B. Nelson. He is the only one who could complete the task of managing law and order in Jhansi, and at the request forward another battalion to Jhansi. The East Indian Company honors Mr. J. B. Nelson and recommends him to a promotion very soon. With regards, Lord Dalhousie. महाराज गंगाधर राव की। महाराज, महारानी कहाँ है? उस झोपड़ी में महाराज। परंतु महाराज महाराज वो हम यहाँ से निकलने ही वाले थे। आप यहाँ कैसे पहुँच गई महारानी? हम समर सिंह और कर्मा। आप यहाँ कैसे पहुँच गई महारानी? हम समर सिंह और कर्मा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दादाजी, हम महाराज को बता कि जो कुछ भी उसमें महारानी का कोई दोष नहीं। समर नहीं, तुम लोग जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो। महाराज बिना एक भी शब्द सुने तुम दोनों का सर धड़ से अलग कर देंगे। नहीं गुरु जी, महाराज से वार्तालाप करके हमें स्थिति को स्पष्ट करना होगा। हमें नहीं करना। परंतु नहीं समर, सुनो, इन लोगों को दूर लेकर जाओ। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग जानते हो कि हमारी महारानी पर कितनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। तुम लोगों को महाराज वहां देखकर अपना आपा खो बैठेंगे। और जानते हो मनु पर क्या बीतेगी। जाओ यहां से, चले जाओ, उन्हें और दुख मत दो। जाओ यहां से। हमारी वजह से हुआ, हम नहीं कहे उनके पति कर। लेके जाओ इनको। कैसे हैं आप? रास्ते भर हम सोचते रहे कि हम आपको बहुत डांटेंगे, बात नहीं करेंगे आपसे, परंतु क्या करें। आप हमारा अनमोल उपहार समेटे बैठी। कैसे क्रोधित हो सकते हैं आपसे, परंतु हमें हमें वचन दीजिए कि दोबारा ऐसे कभी नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं। हम आपकी और हमारे बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हम भी नहीं। हम इस पालने को इस तरह सजाएंगे कि जब महाराज इसे देखेंगे ना तो उनका क्रोध दूर हो जाएगा। अब इसमें हमारी भी तो गलती है ना इंदु, हमें महारानी साहब को इस हालत में नहीं भेजना चाहिए था। हे देवा, इस महल को खुशियों से भर दे। महाराज गंगाधर, प्रणाम। दाई माँ, खुश रहिए महाराज। आप धन्य हो महाराज, इतने बड़े समाचार के मिले के बाद भी इतना धीरज, इतनी समझदारी। आप सचमुच धन्य हो महाराज। धीरज रखिए। महारानी जी को दोबारा गर्भवती होने में थोड़ी परेशानी होगी। जी को दोबारा गर्भवती होने में थोड़ी परेशानी होगी। दोबारा दोबारा? ये आप क्या कह रही हैं? क्या तात्या टोपे जी ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या बताना चाहिए था उन्हें? आप चुप क्यों हैं मौसी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बच्चा, आपका बच्चा इस दुनिया में आए से पहले चला गया। आपने हमारे बच्चे को खो दिया।